तो गाइज आज गए थे हम पानी में और देखो भाऊ ने आज कितनी मछलियां पकड़ी। अगर मार्केट के हिसाब से देखा जाए तो गाइज भाऊ ने सिर्फ 30 मिनट के अंदर गाइज 5000 रुपए की मछलियां पकड़ी गाइज मार्केट के हिसाब से। ये देखो और आपको भाऊ ऊपर उठा के दिखा देगा और घेला और ये देखो 5000 के इसलिए क्योंकि 200 रुपए केजी होते गाइज राहू आपको तो पता ही है। और ये कम से कम 25 किलो भरते गाइज 25 किलो कम से कम भरते। और ये देखो कितनी सारी मछलियां गाइज ये देख लो। ओ भाई साहब देखो कैसे कर रहे हैं मच्छी। तो चलो ये मच्छा हमने कैसे पकड़े और इसको पकड़ने के लिए हमको कितनी मेहनत लगी गाइस ये जानने के लिए वीडियो में आगे बने रहे। तो चलो वीडियो शुरू कर दे। हाय गाइस गुड मॉर्निंग। और अब निकल चुके हैं हम पानी में। तो चलो देखते हैं गला और जाले कितनी मच्छा आज। कल तो बहुत अच्छी थी 20000 की मच्छा। चलो देखो नाव चला रहा है अब हम जा रहे पानी में। और ये देखो सुबह सुबह खाने के लिए चिप्स हमारी पैंट। और ये देखो और ये सूर्यदेव भगवान अभी निकल रहे। तो चलो अब चलते हैं पानी में और वहाँ पे मिलेंगे। और दोनों जन तो गए भी। तो गाइस देखो इन्होंने पिंजरा उड़ा दिया जिसमें हमारे बाम मच्छी का चारा निकलेगा। तो चलो देखते हैं कितना चारा निकला है। मच्छी भी निकलेगी है इसमें गाइस देखो उसमें बाम मच्छी भी है। देखो ओ भाई बाम मच्छी है इसमें। चलो डालो भाई। ओहो कतई मजा आता है इसको खाने में बाम को और हमको उसको निकालने में। चलो तो फाइनली गाइस हम आ चुके हैं जाले पे। और देखो आप जाले देखते हैं और किस इसमें कितनी राहू मच्छी निकलती है वो भी देखते हैं। तो चलो और यहाँ पे मच्छी आने वाली गाइस गेस कर लो कौन सी होगी। और देखो गाइस राहू है ये देखो। ओ भाई साहब वो तो ज्यादा था बच गया बाल बाल। और देखो यहाँ पे और एक मच्छी है गाइस। और ये देखो सुपर नस गाइस। और ये तो बहुत ही कम मिलते। कल हमको 100 किलो मच्छा मिली थी उसमें सिर्फ एक सुपर नस मिला था। और आज देखो आज दो नंबर में वो मिला है। और ये देखो मने के जाले है ये दिखाता हूँ मैं सुपर नस आपको। और ये देखो सुपर नस ओहो 1 kg का है आराम से। और इससे ज़्यादा टेस्टी फिश तो है ही नहीं गाइस। खपली मच्छी में बहुत टेस्टी लगता है। देख लो कितना प्यारा दिख रहा है। चलो और आगे देखते अच्छे कौन से देखते। चलो जल्दी तेजी के साथ। और देखो और एक रहा हो गाइस बैक टू बैक क्यों नहीं आ रहे गाइस। ये देखो और एक रहा हो। ओ हो 2 kg का है गाइस। और ये देखो बैक टू बैक है गाइस मैं बोल रहा था। और ये देखो बैक टू बैक ओ हो तरह से दो ही इधर एक। देखो गाइस दोनों एक ही जगह पे बैक टू बैक है गाइस। देख लो कितने प्यारे दिख रहे। तो चलो इन दोनों को निकाल लेते झट से और आगे देखते हैं कितनी मच्छी है। और ये 3 नंबर का रहा हुआ है अभी 3 नंबर की मच्छी गई। और ये चौथी है। और देखो ये पानी उड़ा रहे। पानी उड़ाने में ये तो बहुत एक्सपर्ट है तुमको तिवाड़ा में। और देखो गाइस चौथा राहू भी चला गया अंदर। और आगे देखते। और देखो गाइस पांचवी मच्छी यहाँ पे आ गई गाइस। और देखो ओह देखो कौन सी है अभी तक ऊपर नहीं आई। और ये देखो रहा है वो गाइस पांचवा। अगर ऐसे तुरंत ही मच्छी आ जाए ना तो इंसान को बोलने में जोश आता है यार। अगर मच्छी ही नहीं निकले तो क्या आ जाएगा। तो चलो इस राव के लिए तो एक सब्सक्राइब तो ज़रूर बनता है गाइस। और सामने जो मच्छी आएगी उसके लिए बेल आइकन दबा देना। ओ भाई 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 चलो ये चले गए अंदर। अब और देखते आगे। उससे पहले जाले बहुत फट रहे गई है गाइस। नहीं ये कतला है। ये देखो कतला आज के दिन का पहला है फिश कतला। और नीचे भी है क्या कुछ गाइस। और एक है बैक टू बैक गाइस राहू और कतला दोनों एक साथ। ओ भाई 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 और भी नीचे है क्या कुछ। नहीं राहू और कतला दोनों एक साथ। और ये हो गए 6-7 मच्छा गाइस इसी के साथ। चलो इन दोनों को निकाल देते झट से। सेटिंग
कर रखे थे। और ये 7 नंबर का राहू कतला डाल दिया खरिया में, लेकिन राहू रह गया डालने का, इसको डाल देते हैं पहले। फाइनली 7वां नंबर का अब जाके राहू निकला गाइस। कितना परेशान किया इसने, बहुत परेशान किया। और ये देखो जाले तो बहुत ही लगे। और ये देखो गाइस 8 नंबर का राहू आ गया है। और आगे है क्या? और ये देखो गाइस बैक टू बैक देखो कतला और राहू फिर से एक और बार पेस्ट कॉपी पेस्ट, सीधा पिछला ही कॉपी पेस्ट है। पहले कतला पहले आ गया था और राहू बाद में, और इस बार राहू पहले उसके बाद कतला, यानी कि ये फ्रेंड्स बोल सकते हो क्योंकि ये बातें करते हुए जा रहे होंगे पिचिंग की तरफ। उनका क्या लॉजिक था हमको क्या पता, लेकिन ऐसा हो सकता है, मैं एक अनुमान लगा के बता रहा हूँ आपको। तो जाने दो, सब कुछ छोड़ो, आप इंजॉय करो। ये लो देखो राहू मच्छी निकाल दी 8 नंबर की, और 9 नंबर का कतला आप निकालेंगे। और ये देखो 9 नंबर का कतला, और ये 6 बोटी जाले गाइस। और ये कम से कम 1000 रुपये के जी होते हैं। जहाँ पे मच्छी आने की होती है वहाँ पे, तो आपको भी पता चल गया होगा कि जाले गाइस जाले लेवटी हो गए। ओ भाई साहब मिर्गल ने जाले लेवटी कर दे, लेवटी पोको X3 प्रो याद आती है गाइस। जब भी मिर्गल देखते हैं, इस मिर्गल के वजह से मेरा 30,000 का फोन पानी में चला गया यार। और भाई निकल रहा है उसको देखो, ओ भाई साहब चली गए अंदर मिर्गल। और ये देखो यहाँ पे मच्छी आ रही है गाइस, कौन से आती है कमेंट करो जल्दी से जल्दी से। और जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करो। और ये देखो कतले के लिए सब्सक्राइब करो यार, हर कोई यहाँ पे कतला खाता है। और देखो, और ये देखो बाम का चारा यहाँ पे इतना सारा है, झींगे मस्त पड़े होते। चलो देखते हैं कौन से। ओ भाई 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 राहू है। और ये 11 नंबर का है गाइस, 10 नंबर का कतला चला गया अंदर। और नहीं नहीं ये 12 नंबर की है गाइस, क्योंकि 10 नंबर को मिर्गल गई, 11 नंबर को कतला, और ये 12 नंबर की राहू। और उसके आगे ये यहाँ पे 13 नंबर लग रहा है मेरे को, नहीं ये तो। चलो ये 12 नंबर को निकाल लेते पहले। चलो राहू गया अंदर अब, ये देखो 12 नंबर का बैक टू बैक 2 फीस है गाइज। यहाँ पे नीचे एक है, और ये देखो वहाँ पे ऊपर राहू, राहू दिखा, ये भी चली गई गाइस। आज बहुत मच्छा जा रही है, एक तो मच्छा कम निकल रही है उस पे से जो है वो भी जा रही है। और ये देखो राहू, और ये देखो गाइस बैक टू बैक। ओ भाई साहब ये कितना बड़ा है गाइस, ये कितना छोटा है। घूम ले, और ये देखो गाइस कितना बड़ा है। ओ भाई साहब, ओ हो 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 हो, शांति शांति भाई। तो फाइनली राहू निकाल दिया गाइस, ये देखो, और ये चला गया अंदर। और इसी के साथ ही हमारे 3 किलो जाले ख़त्म हो गए गाइस, फिनिश। तो इस वाले में मिले 15 राहू, यानी कि 10-12 किलो मच्छियाँ मिली है, 15 किलो के नज़दीक। पर चालू किया है, और चालू जैसे ही किया गाइस अभी कई छूट है हमने, तभी मच्छी थूंगी। तो चलो देखते हैं कौन सी है, इस वाला पर कैसा परफॉर्मेंस करता है वो भी देखते हैं। और देखो कैची पे गाइस राहू, और देखो गाइस बैक टू बैक। ओ भाई साहब देखो कतला और राहू साथ में गाइस, देखो दोनों मच्छियाँ। ओ हो भाई ओसम, क्या इसी ने गाइस खतरनाक। चलो इन दोनों मच्छियों को निकाल लेते। और ये देखो पहला राहू चला गया, अब कतला खेकड़े ने नुकसान कर दिया होगा। और ये कतला निकाल लेंगे हम, 3 पाव 1 kg के आसपास साइज है इस कतले के, अभी ये 3 पाव का होगा। ओ भाई साहब अब भी जाता था ये, को खरिया में डाल देते और आगे दिखते। ये तीसरी मिर्गल ये गई अंदर, भाई उसको खरिया में डाल देगा और आगे देखते हैं अपन। और देखो
उसके बाद और एक मच्छी निकली राहु, मिर्गल जैसे डाली वैसे ही राहु निकला गाइस। रिकॉर्डिंग थोड़ी सी बंद हो गई थी, पानी आ गया था, इस राहु ने पानी उछाला था। और ये देखो क्या साइज है गाइस, राहु की क्वालिटी एक कित नंबर है। और ये चौथी मच्छी है ना, चौथी मच्छी चली गई अंदर। और देखो गाइस यहाँ पे और एक मच्छी है गाइस, ये देखो जाला कैसे कर रही। और देखो मिर्गल, और ये पांचवी मिर्गल है। और ये देखो भाई, भाई कितना इजी निकाल रहा है इसको। अरे यार गई क्या है गाइस, चली गई यार, दुष्कड़ा तेरा हुआ महीना गाइस। पहले कब मचा, और देखो पूरी निकाल दिया और चली गई, देखो हरामी। और ये देखो यहाँ पे राहु है, लेकिन वो चली गई, राहु भी बहुत ही अब भी आ गया, अब भी किधर से आ गया होगा भाग के, जल्दी जल्दी में लटक गया। और देखो यहाँ पे और एक है गाइस बैक टू बैक, चलो देखते कौन सी मच्छी है गाइस। मिर्गल शायद वही है क्या, नहीं दूसरी है गाइस, हमको लगा वही आके लटक गई हो। और ये देखो इसको भी ठीक उसी तरह निकालेंगे, लेकिन थोड़ा सा केयरफुली। चाप रियासी मोबाइल और सन। और ये देखो गाइस फाइनली निकाल दी, और अब डाल दी अंदर। चलो और आगे देखते हैं, वो भी तेजी के साथ देखते हैं। और देखो गाइस ये राहु आठ नंबर का हेलन। और देखो राहु भी चला गया अंदर। चलो और क्या प्यार। और ये देखो गाइस दूर से दिख रहे थे आपको, ये राहु मच्छी नौ नंबर की है, क्या लगता है बैक टू बैक। और ये पहले पंद्रह और ये नौ गाइस, देखो कितने हो गए, दस होने जाने दे, उसके बाद पच्चीस होते गाइस। अब ये चौबीसवीं मच्छी अंदर गई कुल मिलाकर। और वो मिर्गल उस वाले पेड़ में जाके छिप गई गाइस, नहीं तो इधर पीचिंग में जाके छिप गई कहीं पे पत्थर में। ऐसे तो बाहर नहीं निकलेगी अब बहुत दिनों तक, कई महीनों तक तो बिल्कुल भी नहीं निकलेगी गाइस बाहर। और देखो गाइस दस वाली, दस नंबर की कौन सी मच्छी आती ऊपर गाइस, कमेंट करो जल्दी से। गाइस क्या है, क्या है, ओहो मिर्गल है वो दिन लग रहा। और गाइस देखो ये मिर्गल भाऊ का शक बिल्कुल सही निकला, मिर्गल ही और बहुत ज़्यादा फंसी हुई नहीं है। और ये देखो पकड़ ली भाऊ ने, दो किलो तो आराम से भरती है गाइस, आराम से दो किलो। ये देखो कितनी इजी फंसी हुई थी। और ये देखो बैक टू बैक फिश है। और ये देखो इसके खपले कैसे होते गाइस, कितने प्यारे होते। ओहो जितना पूरा को। और ये देखो भाऊ उसको डाल देगा, क्योंकि उसको इतनी ज़्यादा वो तेज है कि उसको हाथ से ढील नहीं छोड़ना पड़ता। हाथ से अगर ढील दे दी ना उसको तो अभी भाग के जाती हो। तो चलो ये बैक टू बैक वाली फिश कहाँ पे वो देखते हैं। ओ भाई साहब देखो राहु गाइस 11 11 नंबर की। चलो इस वाले 11 नंबर को डालते हैं, और उसके बाद देखते हैं और आगे क्या है। और देखो गाइस राहु कितना परेशान करता है। डेढ़ किलो दो किलो का राहु है, साइज ही वही गाइस एक से दो किलो से। और देखो आप कितने ज़्यादा तोते हैं वो। और देखो गाइस यहाँ पे मच्छी राहु,
अभी तो इस वाले तालाब में रोहू ही ज़्यादा मिल रहा है गाइस, बहुत ज़्यादा रोहू मिल रहा है। ठीक है, अब देखो गाइस ये 13 नंबर का रोहू चला गया अंदर। और ये देखो कतला 14 नंबर की 15 नंबर। चलो कतले को निकाल लेते। फाइनली 15 नंबर की मच्छी आ गई हमारी मिर्गल, और 15 पूरे 30 हो गए गाइस। इस वाले पर में 15 और पहले में 15, 30 मच्छा, उतनी कम भी नहीं है लेकिन ठीक ठाक है। मुंडी के पीछे अगर फंदे जाके अटके ना तो उसको निकालना थोड़ा सा हार्ड होता है यार, टफ होता है। तो चलो अब इसको डाल दिया, और आप बचे हुए ऊपर में देखते हैं कि क्या इतने में हमको 10 मच्छा निकल सकती है, क्या हम दो ऊपर में 40 का आंकड़ा छू सकते हैं। और देखो 16 नंबर की यहाँ पे है, और देखो 16 नंबर का रहा हुए गई। तो अभी ये 16 नंबर की भी जाएगी खरिया में, और अगली के देखते। तो देखो गाइस 32 पीस निकले, यानी कि 35-40 किलो मच्छा बोल सकते हैं अपन। कुछ 1.5 किलो के फिश है और कुछ छोटे मोटे पकड़ के 30 किलो से आगे ही मच्छा है। खरिया हमारा भर ही गया, खाते था आपको। ये देखो गाइस, ये देखो। तो इस वाले फिशिंग वीडियो पे यही पे ख़त्म करते हैं। आई होप कि ये फिशिंग वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अच्छा लगा तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। तो मार्केट के हिसाब से समझो आप जो खाते हो ना उस रेट से इस मच्छी को पकड़े तो ये कम से कम 5000 रुपये की है ना वो। हाँ, 5000 रुपये की मच्छी है गाइस, लेकिन हमको उतना आपको तो पता है रेट नहीं मिलता। तो चलो एक हिसाब से बोले तो आपके हिसाब से हमको 5000 की मच्छी मिली, लेकिन हमारे हिसाब से 300 रुपये की है गाइस। तो चलो इस वाले फिशिंग वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई होप कि ये फिशिंग वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।